नमस्कार, मैं आशुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं मनीष सिसोदिया के बारे में, बात करने जा रहे हैं दिल्ली के बारे में, और बात ये भी करेंगे कि आखिर अंत में आकर केजरीवाल की जो रिहाई है उस पर आखिर क्यों रोक लग गई, और अंत में आखिर हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो केजरीवाल के खिलाफ जाता क्यों नजर आया। आपको बता दें कि कल का ही वो दिन था जिस दिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर मोहर किस्म की लग गई थी। सुबह सुबह की जिस हिसाब की खबरें आ रही थी कि आज तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई होकर रहेगी, लेकिन अंत में ईडी ने जिस हिसाब से चुनौती दी अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर, याचिका दायर की हाईकोर्ट में, और उसके बाद उनकी रिहाई पर स्टे लगा दिया गया अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की। लेकिन मुद्दा ही उठता है कि केजरीवाल की तो रिहाई पर चलिए बात भी हो रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया आखिर इस पूरे गेम में कहां पर मौजूद है। मनीष सिसोदिया की आखिर ना रिहाई पर बात हो रही, मनीष सिसोदिया को भले ही हाईकोर्ट ने उनको अनुमति दी थी उनकी पत्नी से मिलने की, आखिर वो तमाम मुद्दे कहां हैं, कैसे उठ रहे हैं, और क्यों मनीष सिसोदिया के नाम पर अभी भी अटकलें तेज है कि मनीष सिसोदिया अब आजीवन कहीं ना कहीं एक तरह से जेल में रह सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली की सियासत कहीं ना कहीं एक बड़ा मोड़ और एक बड़ा उलटफेर लेती नजर आ सकती है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, माही हमारे साथ मौजूद है। माही, पहला सवाल आपसे यही रहेगा, अरविंद केजरीवाल की आप देखें जैसे आपसे रिहाई पर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने आप स्टे लगा दिया, अगली सुनवाई जब होगी तो अरविंद केजरीवाल का मामला एक बार फिर से उठेगा, जेल में ही आप फिर से अरविंद केजरीवाल की वापसी होती नजर आई है, मनीष सिसोदिया का नाम अभी तक क्यों नहीं उठ रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बात के कयास कहीं ना कहीं है कि मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं भुला चुकी है? देखिए आश्रुति, आम आदमी पार्टी नहीं भुला चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि ईडी उनको भूल चुकी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं, और सीबीआई जिसकी वजह से वो जेल में है, और वो उनका जो रुख है वो लगातार ऐसा कोई प्रूफ वो नहीं दे रहे हैं, और उसमें वो मेन जो एक विक्टिम होता है वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया पर ना कोर्ट विचार करती हुई नजर आ रही है, ना ईडी कुछ अपना रिस्पॉन्स दे रही है, और ना आम आदमी पार्टी कुछ कर सकती है। लेकिन वही आप देखेंगे, 1.5 साल से ज्यादा हो गया मनीष सिसोदिया जब याचिका लगाए थे तो वहां पर कोर्ट में उन्होंने कहीं ना कहीं इस रुख को साफ किया था कि उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती, उनको मिलने का मौका दिया जाए, कोर्ट ने उस पर विचार किया, फिर बाद में ये बात निकल कर आई कि उसका जो एक्सपेंस होगा वो कौन वो निर्वहन करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका सरकार उसका जिम्मेदारी उठाते हुए नजर आई थी। तो तमाम तरीके के बस वही एक केस था जब से मनीष सिसोदिया के बारे में कोई ऐसा अपडेट नहीं आता है, और वाकई में जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि उनको सब भूलते हुए नजर आ रहे हैं, वाकई में अगर 10 साल से ज्यादा जेल में रह जाते हैं तो हर कोई उनको भूल जाएगा, लेकिन अभी डिप्टी सीएम के तौर पर देखिए 2 साल से वो जेल में है, और ऐसे में उन्होंने काम बहुत ज्यादा किए हैं, लेकिन एक जो शराब मामला उनका चल रहा है जिसमें 100 करोड़ का इल्जाम लगा हुआ है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी यही बातें निकल कर आती है, तो ऐसे में जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई देता, और अरविंद केजरीवाल खुद फंसते हुए नजर आए तो वो किस तरीके से एक्शन लेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी सब पर ईडी की गाज गिरते हुए नजर आई, आपने देखा बीच में आतिशी किस तरीके से फंसती हुई नजर आई थी, फिर सौरभ भारद्वाज पे भी माना जा रहा था कि कार्रवाई हो सकती है ईडी की, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इनडायरेक्टली लोगों का नाम ले लिया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि अब ये जो दो नेता बचे हुए हैं कहीं ना कहीं ये भी फंसते हुए नजर आते हैं, वही राघव चड्ढा किस तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी उनकी निकलकर सामने आई, तो आप देखिए आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व है मनीष सिसोदिया के साथ साथ कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए वर्चस्व बिल्कुल कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन माही अगर आप दूसरी ओर अगर ये मुद्दा कहीं ना कहीं उठाएं, अगर अरविंद केजरीवाल भी जेल में रह जाते हैं, हाईकोर्ट ने जिस हिसाब से उनकी रिहाई पर रोक लगा दी है, स्टे कर दिया है, और वहीं वापस से उनकी जेल वापसी होना मनीष सिसोदिया का पहले से ही जेल में रहना, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है 2025 में, और 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं कि वो खुद बाहर आए, हालांकि पीछे की रणनीति आम आदमी पार्टी की क्या है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन मुद्दा देखिए यही उठता है कि अगर आम आदमी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में सक्रिय नहीं रहती है, जमीनी स्तर पर काम करती नजर नहीं आती है, तो किस हिसाब से 2025 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल देखिए कहीं ना कहीं इसी में ये एक सवाल और बनता है कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं, मनीष सिसोदिया नहीं, तो कौन आम आदमी पार्टी की कमान 2025 में संभालता नजर आएगा? देखिए श्रुति, इसमें जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर आया, आतिशी मार लेना जिस तरीके से सामने आ रही है, आप देखिए अन्ना हजारे वाला अनशन, अब उन्होंने जल संकट को लेकर स्टार्ट कर दिया है, तो वो एक चेहरे के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि अभी अगर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल के लिए तो अरविंद केजरीवाल पहले ही मना कर चुके हैं कि वो राजनीति में नहीं आएंगी, और ऐसे में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो बसता कौन है, राघव चड्ढा और आतिशी और सौरभ भारद्वाज, क्योंकि अब संजय सिंह के ऊपर आपने देखा कि कल उनके ऊपर एक एफआईआर और दर्ज हुई
जिसमें माना जा रहा है कि संजय सिंह को जेल हो सकती है। तो आप देखिए कि पूरा समीकरण मनीष सिसोदिया जेल में, केजरीवाल जेल में और वहीं पर सत्येंद्र जैन जेल में, और संजय सिंह जो कहीं ना कहीं केजरीवाल के दाहिने हाथ थे अब वो जेल से बाहर आए, फिर भी अब उनको फिर से जेल जाने की नौबत आ सकती है। तो बसता कौन है पार्टी में? आतिशी के घर पे भी ईडी की कार्रवाई हुई, तो ऐसे में पूरा जो समीकरण है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फंसती हुई नजर आई। नहीं, इस बार अगर देखा जाए पंजाब में चुनाव हुए लोकसभा, वहां पर भी आम आदमी पार्टी का जो कहीं ना कहीं परचम कोई लहरा नहीं पाई, 3 सीटों पर की जीत दर्ज करती है। तो ऐसे में कुछ भी अरविंद केजरीवाल के फेवर में जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। बस एक जो सुप्रीम कोर्ट का रुख था, जो उनको मेयर चुनाव में मिला था, राहत बड़ी मिली थी, और अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए मौका मिला, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वहीं सिसोदिया लगातार ये अपील करते हुए नजर आए थे कि उनको भी मौका दिया जाए, वो लोकसभा चुनाव में प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने उनकी बात नहीं मानी और उनको साफ तौर पर खारिज कर दिया और दरकिनार कर दिया। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को लगातार दरकिनार करा जा रहा है, और इसके पीछे तमाम मुद्दे भी उठते हैं कि क्या मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के लिए जरूरी नहीं है, क्या उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्या उनके लिए एक ऐसा चेहरा नहीं है जो अगर जेल से बाहर आ जाते हैं, तो अगर आप देखें कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रहते भी हैं तो मनीष सिसोदिया वो कमान दिल्ली में कहीं ना कहीं संभालते नजर आ सकते हैं। लेकिन वहीं इसी में एक और सवाल ये भी उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल आप देखें जेल में रहेंगे और मुख्यमंत्री के पद से, उनकी मुख्यमंत्री की गद्दी से वो अभी भी इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं इस्तीफा देने से। मनीष सिसोदिया जेल में है पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री के तौर पर, पूर्व डिप्टी सीएम के तौर पर अभी तक जेल में बने हुए, लेकिन मनीष सिसोदिया कैसा चेहरा है दिल्ली की राजनीति को एक तरह से आप देखें तो एक ऊंचे मुकाम तक कहीं ना कहीं लेके जा सकते हैं। अगर आप एक तौर पर देखें सुनीता केजरीवाल पर, जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं मना कर दिया है, तमाम जो एक तरह से उनके जो बयान है वो सुनीता केजरीवाल के इस प्रकार से एक तरह से कहें तो उनके विरुद्ध ही गए हैं राजनीति के तौर पर, कि सुनीता केजरीवाल कमान संभालती नजर नहीं आएंगी। आतिशी मामले पर लगातार चर्चाएं तेज हैं, लेकिन ये सभी ऐसे नेता है सुनीता केजरीवाल को छोड़ के जिन पर कहीं ना कहीं ईडी की गाज गिर रखी है, कोई ना कोई आरोपों से कहीं ना कहीं वो घिर रखे हैं। राघव चड्ढा देखिए अभी तक राजनीति में सक्रिय नहीं है, तो ये तमाम वो नाम है जिन पर लगातार अटकलें तेज है, लेकिन सुनीता केजरीवाल एक ऐसा नाम है जो राजनीति में एक तरह से आप देखिए एक क्लीन बैकग्राउंड लेकर कहीं ना कहीं वो आती नजर आ सकती है। क्या अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में सुनीता केजरीवाल को मनाते नजर आ सकते हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री की गद्दी से इस्तीफा दूं और अगर वो जेल से ना बाहर आए तो सुनीता केजरीवाल किस हिसाब से दिल्ली में कहीं ना कहीं समीकरण संभालती या राजनीति संभालती नजर आएंगी? जी बिल्कुल, ऐसे में मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने जो ये बयान दिया उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल एक्टिव नजर आई और फिर जब वहां पर देखिए जब सभी गठबंधन एक साथ एकजुट हुए थे तो सुनीता केजरीवाल ने दमदार भाषण भी दिया था, ऐसे में फिर जो भी चीजें जो भी इंफॉर्मेशन आती है कोर्ट से वो आके शेयर करते हुए नजर आती है, तो वो एक पत्नी के तौर पर तो जिम्मेदारी जरूर निभाई, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में भी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आई। और जाहिर तौर पर अगर कोई बड़ा बड़ा नेता अगर जेल में बंद है तो जाहिर तौर पर उसका जो फैसला होगा वो सुनीता केजरीवाल को ही लेना होगा, उसकी जिम्मेदारी सुनीता को ही लेनी पड़ेगी। ऐसे में ये पूरा मामला जो है अरविंद केजरीवाल के अगर फेवर में नहीं गया, अगर उनको विधानसभा चुनाव से पहले रिहाई नहीं मिली, तो अब पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह के अलावा जिसको वो बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके। अगर आतिशी भी इस केस में फंसते हुए नजर आती है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा पूरा उठाते हुए नजर आएगी और वो चाहेगी कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ना कि अरविंद केजरीवाल की। और लगातार इस बार आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जरूर से सिंपैथी वोट मांगने की वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो वोट नहीं मिलता है। आप देखिए केजरीवाल का जेल का पोस्टर लॉन्च किया जाता है जिसमें जेल का जवाब वोट से मांगा जाता है और उनके पोस्टर को लड्डू भी खिलाते हुए नजर आते हैं सौरभ भारद्वाज। तो ऐसी ऐसी हरकतें करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो छवि है वो धूमिल करता है, क्योंकि ये जो बचकानी हरकतें हैं वो जनता के मन में भी एक अवरोध उत्पन्न करती है कि क्या जिस पार्टी को हम चुन रहे हैं वो सही है या गलत है। तो ऐसे में जनता भी कंफ्यूज होती हुई नजर आई। नहीं तो आप देखिएगा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल 3 से 4 बार के मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें थी उसमें से 1 सीट तो कहीं ना कहीं उनको मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन 1 भी सीट मिलते हुए नहीं नजर आई। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अब सोचना होगा कि किस तरीके से अब पार्टी को सही दिशा में ले जाया जाए जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको भारी जीत मिल पाए, भारी जीत अरविंद केजरीवाल को मिल पाए। इसके लिए अब अरविंद केजरीवाल को लगातार जद्दोजहद करनी शुरू करनी पड़ेगी, जिसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं प्रयास तो शुरू कर दिया कि जेल से बाहर आए, जेल का जवाब कहीं ना कहीं वोट से दे, जो एक नारा शुरू करा था आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में, तो नारा कहीं ना कहीं देखे धरा का धरा रह गया। भारतीय जनता पार्टी क्लीन विन कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर चली गई, लेकिन अब दिलचस्प होगा ये देखना कि आखिर दिल्ली में किस हिसाब से जो पूरा राजनीतिक समीकरण है वो
बदलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते आने वाले समय में नजर आएंगे या नहीं, क्योंकि उनका परिवार जो है वो कहीं ना कहीं अब चाहता है उनकी पत्नी जो बीमार है एक लंबे समय से, जिनके लिए मनीष सिसोदिया एक तरह से लगातार आस लगाए बैठे हैं, लगातार कोर्ट के आगे बात करते बैठे, अपना मुद्दा उठाते रहते हैं हमेशा कि मेरी पत्नी बीमार है, मुझे उनके पास जाना है और आप मुझे आप किन्हीं भी तमाम मुद्दों के चलते चाहे मुझे बाहर भेजिए, कोई वचन आप मेरे से ले लीजिए, मैं बाहर जाकर सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, ये तक मनीष सिसोदिया जेल में बैठकर कह चुके हैं, कोर्ट में अपना बयान तक दे चुके हैं। लेकिन अभी तक भी कोई जो पक्ष है, कोई जो सबूत है, किसी भी प्रकार का सबूत मनीष सिसोदिया के पक्ष में जाता अभी तक भी नजर नहीं आया है। अब दिलचस्प होगा देखना कि आखिर दिल्ली के 2025 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल क्या रणनीति चलते नजर आएंगे, आम आदमी पार्टी की छवि जो इस बार कहीं ना कहीं खटकी है, क्या वो खटकती छवि को बेहतर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, तमाम वो नेता कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।